नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट का 5वां लेसन पढ़ रहे थे। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो बेकर वाला, वो हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, कुरग। कुरग एक कर्नाटक का जिला है। कुर्ग एक कर्नाटक का जिला जो कॉफी और स्पाइसीज मसालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सैनिक भी वीरता के लिए, साहस के लिए जाने जाते हैं। तो इनके बारे में छोटा सा पार्ट है पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री। कुर्ग है एक कॉफी का कंट्री है, देहाती क्षेत्र है, कॉफी का देश कुर्ग। फेमस ये प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है कुर्ग, क्यों प्रसिद्ध है? तो फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज, वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन हो सकता है कुर्ग क्यों प्रसिद्ध है। कुर्ग फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट और स्पाइसीज, वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना कुर्ग क्यों प्रसिद्ध है, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिपिटेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मिडवे बिटवीन मैसूर, कोस्टल यानी तटीय कस्बा किसका, मैंगलोर का। मैसूर और मैंगलोर के तटीय कस्बे के बीच सीट्स स्थित है, कौन स्थित है, कुर्ग। ए पीस ऑफ हेवन, एक शौरक का टुकड़ा, पीस ऑफ हेवन शौरक का टुकड़ा। That must have drifted, हवा के झोंकों के साथ बाहर आ जाना, drifted, हवा के झोंकों के साथ बाहर आ जाना, from the kingdom of God। कुर्ग वो मैसूर और मैंगलोर के तटवर्ती कस्बा मैंगलोर के मध्य स्थित है, एक शौरक का टुकड़ा है जो हवा के झोंकों के साथ ईश्वर के राज्य से बाहर आ गया। इसे ईश्वर का राज्य, शौरक का टुकड़ा माना गया है, किसको, कुर्ग को। दिस लैंड, यह भूमि ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, गोलाई लिए हुए पहाड़ियाँ, इज इनहेबिटेंट, यहाँ के निवासी, बाय ए प्राउड रेस, एक गर्वीली प्रजाति, प्राउड रेस गर्वीली प्रजाति, ऑफ मार्शल लड़ाकू, मार्शल यानी लड़ाकू मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। तो यहाँ की गोलाकार पहाड़ियों में इनहेबिटेंट निवासी निवास करते हैं, किस प्रकार के निवासी रहते हैं, लड़ाकू स्त्री, लड़ाकू पुरुष, सुंदर स्त्रियां और प्राउड रेस गर्वीली प्रजाति, लड़ाकू पुरुष और सुंदर स्त्रियां और जंगली प्राणी है उसकी, एक लड़ाकू पुरुष से सुंदर स्त्रियों की एक गर्वीली प्रजाति यहाँ निवास करती है, और भी यह कौन है, जंगली प्राणी, ठीक है। तो कुर्ग है
वो मैसूर और तटवर्ती कस्बा मैंगलोर के मध्य स्थित एक शवरक का टुकड़ा है जो हवा के झोंकों के साथ ईश्वर के राज्य से बाहर आ गया। यहाँ के निवासी, यहाँ के गोलाकार पहाड़ियों में रहने वाले जो लड़ाकू पुरुष, साहसी पुरुष और सुंदर स्त्रियाँ, यहाँ की गर्वीली प्रजाति हैं, और भी जो जंगली जानवर भी यहाँ रहते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कोडागु है वो कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। स्मॉलेस्ट यानी छोटा, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। कुर्ग है वो एक कर्नाटक का छोटा सा जिला है। तो ध्यान देना, कुर्ग कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कुरुक कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेज। ठीक है, तो कुरुक और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षावन, स्पाइसेज मसाले एंड कॉफी प्लांटेशन। यहाँ पर सदाबहार वर्षावन मसाले और कॉफी की खेती होती है। कॉफी की खेती होती है, कॉफी के बहुत सारे पौधे यहाँ होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षावन कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस जिले के 30% भाग पर सदाबहार वन मिलते हैं। इस जिले के 30% पर सदाबहार वन मिलते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान इट प्योर्स एनअप या पर्याप्त वर्षा होती है टू कीप मनी विजिटर्स अवे, जिसे बहुत सारे आगंतुक, बहुत सारे पर्यटक अवे रहते हैं, दूर रहते हैं, इस समय यहाँ पर नहीं आते हैं ज्यादा बरसात के कारण। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद की ऋतु, आनंद का समय कमेंस आरंभ होता है, शुरू होना। आनंद की ऋतु है यहाँ पर आरंभ होती है। कमेंस यानी आरंभ होना फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। सितंबर से शुरू होकर के मार्च तक चलती है। सितंबर से शुरू होकर के मार्च तक यहाँ पर आनंद की ऋतु होती है। कमेंस यानी शुरू होती है, आरंभ होती है। सम विद सम सोवर्स, सोवर अच्छी तरीके से आपको याद होगा वो लंचो वाला पाठ, डाउनपोर सोवर, बोछारे। विद द वेदर इज परफेक्ट, मौसम है अच्छा होता है, कुछ बोचारों के साथ थ्रोन इन द गुड मेजर, द एयर ब्रीदेज ऑफ इनविग्रेटिंग, इनविग्रेटिंग यानी ऊर्जावान, ऊर्जावान कॉफी। इस समय यहाँ की हवा में ऊर्जावान कॉफी होती है, मतलब ऊर्जा यहाँ की हवा है कॉफी से सुगंधित होती है। हवा में कॉफी की सुगंध, ऊर्जावान कॉफी की सुगंध आती है क्योंकि ये कॉफी का क्षेत्र है। तो जब बरसात होती है तो हवा में कॉफी की सुगंध है वो फैल जाती है। कॉफी एस्टेटस, एस्टेटस यानी भूभाग, कॉफी के जो भूभाग हैं एंड कॉलोनियल बंगलो, औपनिवेशिक बंगले, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कनोपी,
कनोपीज द प्राइम कॉर्नर, कॉफी के इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, कॉफी की जो प्लांट होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि यहाँ के भूभाग है वो अपने से बंगले हैं, वो एक ट्री कॉर्नफीज, कॉर्नफीज यानी सामियान, सामियान छत्र छाया ऊपर से इतने फैले हुए होते हैं ये पेड़ कि एक छत्र छाया का निर्माण करते हैं, प्रमुख कोनों में एक छत्र छाया साक सामियान का निर्माण करते हैं छत्र छाया। तो कनोपीज यानी सामियान या छत्र छाया, क्योंकि ये पेड़ है विस्तृत तौर पर फैले होते हैं, इसकी टहनियाँ काफ़ी फैली होती हैं, ऊपर से ऐसा लगता है कि एक छत्र छाया सीख हो जाती है। द फेयरली इंडिपेंडेंट उगर स्वतंत्र लोग, यहाँ के उगर स्वतंत्र लोग और कुरुग आर पॉसिबल इन ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, यहाँ के उगर आत्मनिर्भर लोग हैं, उगर आत्मनिर्भर लोग किसके वंशज माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं किसके वंशज माने जाते हैं, द फेयरली एन इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुरुग आर पॉसिबली ए ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ध्यान देना डिसेंट यानी वंशज, वंशज तो किस वंश के माने जाते हैं, कुरुग के लोग किस वंश के माने जाते हैं, ग्रीक और अरेबिक, ग्रीक और अरबी वंशज के माने जाते हैं कुरुग के लोग, बड़े साहसी होते हैं। एज वन स्टोरी, एक कहावत कही जाती, कहानी कही जाती है इसके बारे में, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, एक पार्ट भाग सिकंदर, सिकंदर की सेना का एक भाग मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, सिकंदर की सेना का एक भाग तट के सारे सारे दक्षिण की तरफ चला गया और फिर वहां पर सेटल हो गया, वे लोग वहां पर ही रहने लगे और जब वापस आना इम्प्रैक्टिकल हो गया, इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक, जब वापस आना वहां से अव्यवहारिक हो गया तो क्या हुआ, तो इन लोगों ने, दीज पीपल, इन लोगों ने मैरिड, शादी कर ली अमंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज एप्रिएंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, जब वहाँ से वापस लौटना, रिटर्न होना इम्प्रैक्टिकल हो गया तो वहाँ के इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ के स्थानीय लोगों से, लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे शादी कर ली और वहाँ की संस्कृति को अपना लिया, वहाँ की जो परंपराएं थी, सासी थे ना तो उनको अपना लिया, मैरिज एंड मैरिज एंड मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, शादी और जो धार्मिक परंपराएं हैं, वैवाहिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज, रिलीजियस राइट्स, रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज वो अपना लिए, विच आर डिस्टिंक्ट, जो अलग करते हैं, भेद करते हैं फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा, हिंदू मेन स्ट्रीम, ध्यान देना मेन स्ट्रीम, मुख्य मुख्य धारा, जो क्या करते हैं,
उन लोगों को हिंदू मुख्य धारा से क्या करते हैं, मेन डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट करते हैं, अलग करते हैं। तो मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजन, अरबी जो वंश है उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ड्रा सपोर्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग बे कोट। वो किसके बारे में, अरबी लोग कैसे माने जाते हैं? अरबी लोग हैं वो एक लंबा बले के कोट है, जिस प्रकार से हमने वो कल पढ़ा था ना बेकर वाला, उसकी पोशाक कैसी होती थी, हाफ पैंट से लंबी, फुल पैंट से थोड़ी छोटी। तो उसी तरीके से इनकी पहचान बताई जा रही है। एंड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई किए हुए, एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई किए हुए वेस्ट बेल्ट, कमरबंद, वॉरन पहने जाते हैं बाय द कोडागुज, कोडागु के द्वारा। कोडागु जो लोग हैं वो एक लंबा ब्लैक काला कोट और कढ़ाईदार होता था, और वेस्ट बेल्ट, कमरबंद, इस तरीके से उसकी पोशाक होती थी। नॉन एज कूपिया, ध्यान देना यही आपका क्वेश्चन बनेगा, कूपिया। कोडागु लोगों की जो पोशाक थी उसको किस नाम से जाना जाता था, जिस प्रकार हमने बेकर वाले में पढ़ा था, बेकर की पोशाक। बेकर क्या कहलाते थे, पेडर कहलाते थे ना, पेडर। और उसकी पोशाक हमने पढ़ा है ना, उसकी पोशाक को किस नाम से जाना जाता था, कबाई, याद आया? तो इसी तरीके से इनकी जो पोशाक है उसको कूपिया नाम से जाना जाता था। इट रिजेम्बल्स द कूपिया वॉर्न बाई ए अरब्स एंड द कुर्द, अरब और कुर्द के द्वारा ये कूपिया पोशाक है वो पहनी जाती थी। कुर्गी होम, कुर्गी के जो घर होते थे कुर्ग लोगों के, है वे ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। कुर्ग के लोगों में अतिथि सरकार सत्कार की बहुत ही अच्छी परंपरा थी, ट्रेडिशन यानी परंपरा, हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नमरूज टेल्स ऑफ वेलर, टेल्स ऑफ वेलर वीर गाथाएं, वीर गाथाएं। यहाँ ये लोग हैं बहुत सारी वीर गाथाएं कहते हैं, रिलेटेड टू दियर सन एंड द फादर, अपने पुत्रों और पिता के प्रति, अपने साहसपूर्ण, अपने पिताजी के साहसपूर्ण कार्यों का वो गाथाओं के रूप में वर्णन करते हैं यहाँ के लोग। तो टेल्स ऑफ वेलर यानी वीर गाथाएं हैं, टेल्स ऑफ वेलर यानी वीर गाथाएं हैं। द कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग के जो सैनिक होते थे, सैन्य दल, वो कैसा होता था? कुर्ग रेजिमेंट, रेजिमेंट यानी सैन्य दल, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कुर्ग के जो सैनिक होते थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते थे, सुसज्जित होते थे। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के पहले चीफ यानी प्रमुख कौन थे, जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। ये कौन थे, एक कुर्गी ही थे करियप्पा, जो भारतीय थल सेना के प्रथम चीफ थे। इवन नाउ कोडागुज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। इनको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, किस लाइसेंस की, फायर आर्म, हथियारों की। कोडागु इतने साहसपूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो पूरे भारत में इन लोगों को
हथियार रखने की अनुमति होती है, वो भी बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस के ये लोग है वो क्या रखते हैं, हथियार लाइसेंस की, बिना लाइसेंस के भी रख सकते हैं वो डाकू लोग। द रिवर कावेरी, कावेरी जो नदी है, रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर्क। कावेरी नदी को जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ऑब्टेन यानी प्राप्त होना। कावेरी नदी है वो अपना जल प्राप्त करती है फॉरेस्ट कोर्क के जंगलों और पहाड़ियों से। इनको क्या मिलता है, जल, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, जंगल किसके, कुरुक के, कुरुक की पहाड़ियाँ और जंगली जो क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं उनसे ही जो कावेरी नदी है उनको जल प्राप्त होता है। कावेरी नदी को, कावेरी नदी के जल का स्रोत है ये कुरुक की पहाड़ियाँ। महाशीर, महाशीर क्या है, महाशीर के मछली का नाम है, ठीक है। महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर, विशाल ताजी विस्तृत ताजे पानी वाली एक मछली है, फिश है। महाशीर ताजे पानी में रहने वाली एक मछली है। अबाउंड पर्याप्त मात्रा में इन दीज वाटर्स, इस कावेरी नदी के जल में, यहाँ की जल धाराओं में महाशीर नामक एक मछली है वो काफी मात्रा में मिल जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर है उनके, उनको पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं, गोता लगाना। वाइल स्क्वायर्स, जबकि स्क्वायर्स यानी गिलारियां, एंड लंगूर ड्रॉप पार्टी आंशिक थोड़ा सा इटन फ्रूट, गिलारियां और लंगूर है आंशिक खाए हुए फल, थोड़े से चखे आधे खाए हुए फल। द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग, आनंद के साथ शरारत करते हुए क्या करते हैं, द स्लेप्स एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, उनको पानी में उछाल देते हैं और फिर स्लेप्स छपा करते हैं, पानी को पानी में छपा करना, छिड़कना, उछालना, तो छपा करते हैं और रिपल इफेक्ट लहरीय प्रभाव, एक लहर के रूप में प्रभाव अर्थात मतलब आनंद लेते हैं पानी में। एलिफेंट इंजॉय बींग्स बैथर्ड एंड स्क्रब्ड, हाथी भी आनंद लेते हैं स्नान करने का और अपने को रगड़ कर, स्क्रब्ड यानी रगड़ कर स्नान करने का आनंद लेते हैं इन द रिवर, इस कावेरी नदी में, बाय दियर महावत, अपने महावत के द्वारा आती है वो भी इस कावेरी नदी में अच्छी तरीके से नहाने का आनंद लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट लैंग्वेज इंडिविजुअल, आरामदायक व्यक्ति, आराम पसंद करने वाला व्यक्ति, आरामदायक व्यक्ति बिकम कन्वर्ट्स, बदल जाते, कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होना, कन्वर्ट होना बदल जाना, कन्वर्ट होना बदल जाना, कन्वर्ट। यहाँ जो कि आरामदायक व्यक्ति भी बदल जाते हैं किसमें, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जावान साहसी एडवेंचर, साहसी कार्यों में, विद रिवर रेफ्टिंग, नदी में जो रेफ्टिंग यानी सपाट नाव, क्विंग, क्विंग के छोटी नाव, ठीक है, छोटी नाव, एंड रेपलिंग, रेपलिंग मतलब रस्सी के सहारे
रस्सी के सारे पहाड़ों से नीचे उतरना रेपलिंग कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये साहसिक कार्य बताए जा रहे हैं, रस्सी के सारे, रस्सी से पहाड़ों से नीचे उतर जाना और चट्टानों पर चढ़ना, माउंट पर्वतों पर चढ़ना, है कि नहीं? मोटरसाइकिलिंग करना, मोटरसाइकिल के द्वारा, बाइकिंग के द्वारा या रस्सी के सारे पर्वतों पर चढ़ना उतरना, इस प्रकार के उसके साहसिक कार्य। नंबर्स वॉकिंग ट्रेल्स, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेल्स हैं। क्या है? पगडंडियाँ, पैदल चलने के लिए मार्ग, पगडंडी इन दिस रेनी इस क्षेत्र में आर ए फेवरेट विद टेकर्स, जो फेवरेट है किसके लिए? टेकर्स के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। टेकर्स यानी पैदल चलने वाले यात्री, टेकर्स पैदल चलने वाले यात्री। पैदल चलने वाले यात्री टेकर्स, उन यात्रियों के लिए ये जो पगडंडियां होती है ना, वो उनकी फेवरेट होती है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, पक्षी हैं, ये सब आपके वहां पर कंपनी हो जाएंगे। यदि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आपकी कंपनी बन जाएगी। कंपनी यानी साथी, आपके साथ हो जाएगी। मेकाकस, मेकाकस ध्यान देना, एक छोटी सी, छोटी पूंछ वाला वानर मेकाकस, ठीक है? मेकाकस छोटी पूंछ वाला वानर। मेकाकस मालावार गिलहरियां, स्क्वायर्स पहले आ गए हैं, गिलहरियां, लंगूर और स्लेंडरलोरीज, दुबले पतले वानर, पतले लजीले वानर के पे वास्पुल आईज, वो दृष्टि रखते हैं फ्रॉम द ट्री कनोपी, पेड़ों के सामियान से। पहले आ गए हैं, कनोपी आ गया ना, कनोपी जाया था ना, सामियान छत्र छाया, तो पेड़ों के सामियान से ऊपर से ये सब नजर रखते हैं। आई डू हैव हियर प्रिपेयर टू स्टेप असाइड द वाइल्ड एनिमल, मैं जंगली जानवरों से दूर रहने की हमेशा प्रीफर, प्राथमिकता देना, एक कदम दूर ही रहता हूँ जंगली जानवरों से, जैसे आती जंगली हाथी से। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, अपने साथियों को भी शेयर करें। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बताया हुआ है कि अपना खुद का पर्सनल चैनल कैपिटल लेटर में RJD703 यूट्यूब पर जाकर करें, RJD703, ठीक है? तो वहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर हैं, वो लिखाए जा रहे हैं और याद भी करवाए जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पर मिलेंगे आपको, इंग्लिश के जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी भाषा में आपको लिखवाए जा रहे हैं मीनिंग सहित। तो याद करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो यहाँ जाकर के जरूर आप इनको क्वेश्चन आंसर को याद करें और अपनी कॉपी में लिख लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दें इस चैनल पर,
आरजेडी 703 तक, ताकि जब भी कोई और वीडियो आए, अदर कोई इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियो इस पर आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी 10th क्लास है, 12th क्लास है और 8th क्लास है, जो बोर्ड्स की क्लास है, उन सबको आप शेयर कर सकते हैं, उनका जो लेसन कोर्स है इन पर मिलेगा आपको। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, हिल्स यानी पहाड़, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां ब्रिंग्स यू इनटू ए पनोरेमिक व्यू, पनोरेमिक व्यू एक विस्तृत दृश्य, चौड़ी धरती वाला दृश्य, पनोरेमिक व्यू विस्तृत दृश्य ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, संपूर्ण कोहरे युक्त कुर्ग के भूदृश्य, संपूर्ण कोहरे युक्त भूदृश्य किसका, कुर्ग का विस्तृत पैनोरमिक व्यू देखने को मिलता है। कहां पर? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ए वॉक एकर्स टू द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकर आइसलैंड ऑफ निसंग धाम। ठीक है, तो रस्सी के पुल द्वारा वहां पर 64 एकड़ में फैले हुए एक द्वीप आइसलैंड द्वीप नरसिंह धाम, ठीक है, किसके द्वारा, एक रस्सी के पुल के द्वारा वहां जाया जाता है, वह आपको कहां ले जाता है, निसंग धाम, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ठीक है, दीप और प्रायद्वीप, दीप जिसके चारों ओर पानी हो, है कि नहीं, प्रायद्वीप तीनों ओर। तो रनिंग इन टू द बुद्धिस्ट मंक्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। रनिंग टू द बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बल्याकुपी इज ए बॉन्स, तिब्बत के आदिवासी क्षेत्र से बल्याकुपी के पास विशाल लार्जेस्ट यानी भारत के विशाल तिब्बत के आदिवासी क्षेत्र से बल्याकुपी के पास जो बुद्धिस्ट साधु सन्यासी है वो भी आपको एक बॉन्स के रूप में अधिलाभ, अतिरिक्त लाभ के रूप में मिल जाएंगे। यदि आप वहां जाते हैं तो ये भी आपको वहां मिल जाएंगे। The monks in red, ochre and yellow robes, इन साधुओं की जो पोशाकें हैं लाल गेरुआ रंग और येलो robes यानी पोशाकें, are amongst the many surprises, आपको आश्चर्यचकित कर देती है, that wait जो इंतजार करते हैं to be discovered, अपने आप को खोजे जाने का। अभी इसकी यहाँ पर मतलब यदि वहां जाते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां निसंग धाम, तो ये कह रहा है कि वहां पर आपको आश्चर्य होगा कि अनेक पोशाकों में अनेक प्रकार के बोधिष्ठ साधु हैं, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे एक अतिरिक्त लाभ के रूप में, जो खोजे जाने के इंतजार में है बाय विजिटर्स, आगंतुकों के लिए, सर्चिंग फॉर द, जो सर्च कर रहे हैं, जो आगंतुक खोज रहे हैं क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया,
भारत का दिल और आत्मा की खोज कर रहे हैं राइट इन द इन कुरुक, ये इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। कौन? ये साधु संत। तो भारत की आत्मा की खोज करने वाले, भारत की आत्मा की खोज करने वाले कौन? साधु संत सन्यासी हैं। वो अलग अलग पोशाकों में वहां पर आपको, जब आप वहां जाते हैं तो आपको वहां मिलते हैं, आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। कहां पर? कुरुक्ष में। तो ये एक अतिरिक्त लाभ होता है। ये आपका कुरुक्ष वाला पार्ट है वो पूरा होता है। पहला जो बेकर वाला हमने पढ़ लिया था, इस लेसन के तीन पार्ट है, दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और अगला तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से याद करते रहिए। क्वेश्चन आंसर भी आपको बताया हुआ है, उसके अनुसार मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं ये भी आपको बताया हुआ है। वीडियो को आप ध्यान से सुने तो पता चल जाएगा। और धन्यवाद। बाकी अगला पार्ट है कल पढ़ेंगे।